जोधा अकबर में जलाल सबको दरबार में एकत्रित करते हैं। वो सबको बताते हैं कि उन्हें पता चल गया है कि उन पर और जोधा पर किसने हमला किया था। वो राजी खान का नाम लेते हैं। महामंगा ये सुनकर चौंक जाती है। तब आदम खान याद करता है कि कैसे उसने जलाल के खिलाफ राजी खान से हाथ मिलाया था, जो उसे जलाल की एक एक छोटी खबर दिया करता है। जलाल ये ऐलान करते हैं कि वो राजी खान पर हमला करेंगे। दरबार के बाद महल में शहनाज कुछ दासियों को एक तस्वीर ले जाते हुए देख लेती है। वो तस्वीर देखते ही अपनी माँ चांद बेगम को पहचान लेती है। शहनाज ये सोचती है कि इतने सालों बाद जलाल ने उसकी माँ को क्यों याद किया है। उसे लगता है कि जलाल ने हुमायूं के खजाने के लालच में आकर उन्हें कहीं बंदी बना कर रखा है। दूसरी तरफ जोधा और जलाल रुकैया को जाकर पालना तोहफे में देते हैं। रुकैया जलाल का उसके होने वाले बच्ची की तरफ लगाव देखकर घबरा जाती है। उसे लगता है कि वो अपने ही जाल में फंसती जा रही है। जब जलाल को चांद बेगम की तस्वीर मिलती है, तब वो जोधा को तस्वीर दिखाते हुए कहते हैं कि वो अपनी अम्मी चांद बेगम को ढूंढ कर ही रहेंगे।